तो यहाँ पर गेमिंग कैटेगरी में एक और गेम आ चुका है जिसका नाम है राइडर 6। बट इस गेम को अगर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर रहे हो तो ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 783 MB का ये गेम है। बट ये गेम ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कल में हमारे फ्री फायर और यानी कि पबजी को भी ये बीट कर देगा और ये काफ़ी तगड़ा गेम है। तो क्या ये गेम हमारे फ्री फायर और पबजी को बीट कर पाएगा, पीछे कर पाएगा, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पर आ जा रहे हो राइडर 6 गेम सर्च कर, तो ये गेम अभी आप लोग को 783 MB का देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अगर इसके ग्राफिक की, तो ग्राफिक भी कुछ हमारे फ्री फायर और पबजी की तरह से आप लोग देख ही सकते हो। आप लोग देख लो कि यहाँ पर पबजी फ्री फायर के ही जैसा इसका ग्राफिक है और काफ़ी ईजिली ये गेम लग रहा है। जैसे कि हमारे फ्री फायर और पबजी में जब गेम आया था न्यू, उसमें भी कुछ ऐसे ही बदलाव हुए थे, बट आपके फ्री फायर में और पहले के फ्री फायर में बहुत सारा फर्क है। तो बट गाइस यहाँ पर भी आप लोग देख लो कि यहाँ पर भी आप लोग को डायमंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को सिल्वर यानी कि आप लोग को गोल्ड भी देखने को मिल रहा है। तो ये गेम मुझे लग रहा है कि एकदम फ्री फायर और पबजी का कॉपी है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो 783 MB देकर। मैं आपको इस वीडियो में बस यही बता रहा हूँ कि ये गेम आप लोग अगर डाउनलोड कर रहे हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इस गेम को खेल कर बताऊँगा और इस गेम के पूरे ट्यूटोरियल भी आने वाले हैं जल्दी ही। बस इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर इस गेम को डाउनलोड कर रहे हो तो आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर लो। 783 MB बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो इस गेम को डाउनलोड कर लो। मैं इस पर पूरा ढंग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग को मैं समझा दूंगा क्या ये गेम मज़ेदार है, फ्री फायर और पबजी को ये क्या बीट कर पाएगा। तो चलो आप लोगों को इतना मैंने बता दिया डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।